हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा जदली इंस्पिरेशनल वीडियोस एंड थॉट्स में। आइए देखिए, आज हम आपको दही पापड़ी के बारे में बताते हैं। देखिए, ये कुछ बाज़ार के रेडीमेड गोलगप्पे हैं, प्लेन बाज़ार से आपको मिल जाएंगे और घर पर लाकर आपको उन्हें सिर्फ तलना है। और देखिए, उसके बाद हमने आलू उबाल कर उनके छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। और साथ ही में ये देखिए, आप एक मिक्सचर देख रहे हैं जिसमें दही है, सॉस है, हरी चटनी है और थोड़ा सा काला नमक है। तो अब आप जब इसको बनाएंगे तो देखिए, आप इस गोलगप्पे को इसके अंदर ऐसे छेद करेंगे और इसके अंदर आप आलू डालेंगे। और आलू डालने के बाद आप इस तरह से आलू को इसके अंदर डालिए और तुरंत अपने कप में, ये एक सिंगल पर्सन के लिए मैं बता रही हूँ, आप इसको अपने कप में ऐसे डुबाएं और इसके बाद आप इसे डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं कटोरी के थ्रू। और आप विश्वास करेंगे कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये है एक लाजवाब रेसिपी। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दही आप जमाते ही होंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बाज़ार के कुछ रेडीमेड गोलगप्पे हैं, इसे हम पानी पूरी कहते हैं। पैकेट मार्केट से आया हुआ है, आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये मार्केट के लाए हुए हैं। और इन्हें हम कढ़ाई में तल रहे हैं। देखिए, कढ़ाई हम गर्म कर चुके हैं। आप कढ़ाई पर देख सकते हैं कि हमने जिस तरह से कढ़ाई में थोड़ा सा तेल को फुल करके उसके बाद उसे सिम गैस पे कर लेना है और तुरंत के तुरंत इनको पलटना भी है जिससे कि ये जल ना जाए। ध्यान रखें क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो ये जल भी सकता है। आप ये देखिए कितने अच्छे फटाफट ये बन भी चुके हैं और इस तरह से इनको हम फटाफट निकाल लेंगे। आप इन्हें फौरन जल्दी जल्दी इस तरह से निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, बहुत तेज़ गर्म होगा तो ये डार्क कलर के हो जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि इनका कलर प्रॉपर रहे, लाइट कलर रहे। ये देखिए, दोबारा से देखिए, हम इनको तल रहे हैं। ये हमारे थोड़ा सा इनको फौरन पलटना भी है, पलटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत डार्क हो जाएंगे बहुत जल्दी और फिर उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो आप इनको लाइट वाइट कलर में करके फौरन निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से ये आपके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल हम इनको अपनी प्लेट में निकाल रहे हैं। इस तरह से आप इनको इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दही पूरी दिखाई थी और अब इसको हम पानी पूरी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये बाज़ार का ही नींबू पानी करके आया हुआ है। इसको आप एक नॉर्मल ठंडे पानी में इसको आप इसको इस तरह से डाल लीजिए और पूरा पैकेट आप इसके अंदर एक ग्लास के अंदर आप डालेंगे तो ये वाकई में ही आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। और इसके बाद तुरंत थोड़ा सा, अगर आप चाहें, आपको टेस्ट अच्छा लगता है, ये देखिए मेरे पास काला नमक है, हमने थोड़ा सा काला नमक इसमें डाल दिया है और इसको हम चलाएंगे, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, टेस्टी। और आपके पास ये पानी पूरी तैयार हो चुकी है। देखिए, इसको हम इस तरह से दोबारा से इसको बीच में से थोड़ा सा छेद करते हैं और इसमें हम दोबारा से एक आलू को डालेंगे। जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसके अंदर आलू डालिए। और आलू डालने के बाद इसके बाद आप इसमें पानी भरेंगे सेम इसी कप में। देखिए, एक हमने दही का बनाया हुआ था और एक हमने पानी का बनाया है। और आप इसको अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। हुई ना घर में बनने वाली झटपट रेसिपी तैयार? तो क्या करेंगे अब, आप भी कोशिश कीजिए, घर में बनाइए पानी पूरी स्वादिष्ट और सफाई के साथ। तो मज़ा आया ना, मुझे बताइएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।